कभी वन में सिंह को अखेट करते देखा है? हमें लगता है कि सिंह तेजस्वी है, बलशाली है, तीव्र है, इसलिए वो अखेट कर पाता है। परंतु इस अखेट के दूसरे पक्ष को भी देखने का प्रयास कीजिए। सिंह अखेट तभी कर पाता है जब हिरण आस छोड़ देता है, जब वो भागना बंद कर देता है, जब वो संघर्ष करना छोड़ देता है। सिंह हिरण की मृत्यु नहीं चुनता, हिरण स्वयं अपनी मृत्यु चुनता है। ठीक उसी प्रकार असफलता हमें नहीं चुनती, हम असफलता को चुनते हैं। ये हम ही हैं जो आशा को छोड़कर संघर्ष करना छोड़ देते हैं और भाग्य का अखेट बन जाते हैं। इसलिए संघर्ष करना मत बंद कीजिए, प्रयास करते रहिए और सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। पुत्र, प्रणिपात राजमाता, आदेश कीजिए कि ये राधे आपकी कैसे सहायता कर सकता है। अब तुम केवल राधे नहीं, कौरव सेना के सर सेनापति भी हो। तुम्हारा वचन सुनिश्चित कराने आई हूं कि सेनापति के मुकुट के भार के नीचे नहीं वो वचन न दब जाए जो राधे ने दिया था। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। तो क्या जन्मदात्री को संदेह है कि कर्ण अपना वचन निभाएगा या नहीं? मुझे उस वचन की पूर्ति पर कोई संदेह नहीं जो तुमने मुझे दिया है। मैं वो वचन स्मरण कराने आई हूं जो वचन तुमने अपनी पत्नी सुप्रिया को दिया था। एक पति ने अपनी पत्नी को दिया था कि आवश्यकता के समय पर वो हर समय उसके पास उपस्थित रहेगा। सुप्रिया को तुम्हारी आवश्यकता है कर्ण। जानता हूं राजमाता, किंतु मैं नहीं जा सकता। क्योंकि अब मैं युद्ध में सम्मिलित केवल एक योद्धा नहीं, अब मैं कौरव सेना का सर सेनापति हूं। अब युद्ध समाप्त होने से पूर्व मैं केवल यमलोक जा सकता हूं। मैं जानती हूं कि तुम नहीं जा सकते, परंतु वो तो यहां आ सकती है ना। चलो मेरे साथ। प्रणिपात आर्य, तुम अस्वस्थ हो सुप्रिया, फिर इतनी लंबी यात्रा क्यों की? पत्नी अगर पति के पास पहुंच जाए तो आधा रोग अपने आप चला जाता है। हेश नकुल और सहदेव संभाल लेंगे। उपचार के लिए इन्होंने संदेश भिजवा दिया है। उपचार की आवश्यकता नहीं है राजमाता।
ना ही उससे कोई लाभ है। मेरी इच्छा थी कि मैं अपना अंतिम श्वास अपने अरदान की छाव में लूं। बस वो पूरी हो गई और मेरे मन पे एक बोझ रह गया। त्रिशोक में मैं अपने पत्नी होने का कर्तव्य नहीं निभा सकी, आपसे रुष्ट होकर चली गई। मुझे क्षमा कर दीजिए आर्य। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, मैं भी एक पुत्र हूं। माता की वेदना समझता हूं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है सुप्रिया। कर रही हो सुप्रिया? महारानी हो तुम अंग की। धन्यवाद उस देवी का जिसके बलिदान से मेरे जीवन का निर्माण हुआ। मुझे ज्ञात है रुशाली, आर्य कर्ण ने एक अपहरित कन्या से विवाह किया, उसके पीछे का कारण सिर्फ तुम थी। तुम दान देने के लिए वचनबद्ध होकर सूर्य को साक्षी रखकर वचन दोकर कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे, दान दो अंगराज। ये सूत पुत्र राधे करण वचन देता है कि मैं सुप्रिया से विवाह करूंगा। इस पल तक मैं जितने भी पल जी हूं तुम्हारी कृतज्ञ बनकर जी हूं रुशाली। कदाचित मैंने अपने पुत्र रुसे का नाम भी तुम्हारे नाम पर रखा। सुप्रिया, आप कुछ मत कहो, बोलने से कष्ट होगा। नहीं आर्य, मेरे सारे कष्ट तो इस देवी ने हर लिए। स्वयं कांटे सहज कर मुझे पुष्पी शैया दी है रुशाली ने। तुम्हारे कारण मैं सौभाग्यवती हो गई रुशाली। तुमने अपने विवाह की यज्ञ वेदी रुशाली ने मेरे नाम की। अपने वचन के लिए जाने जाते हैं ना आर्य, आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं चाहती हूं कि आपका हर वचन पूरा हो, कोई भी वचन अधूरा ना रहे। आपका एक वचन है आर्य, जो मेरे कारण अधूरा रह गया था। अपनी अर्धांगिनी अंतिम इच्छा पूर्ण कीजिए आर्य, ताकि मैं इस संसार से इस संतोष के साथ जा सकूं।
बस मित्र, बहुत हो गया, बहुत हो गया मित्र। अब सीमा समाप्त हो गई, हम दोनों की पीड़ा सह पाने की सीमा समाप्त हो गई है मित्र। अब और नहीं, अब कल अंत होगा, हमारी पीड़ा का अंत होगा। हम कल इस युद्ध का अंत करेंगे मित्र, अंत करेंगे इस युद्ध का, कल, कल ही। यशस्वी भव। आज का दिन बहुत शुभ है, मुझे तुम पर गर्व है सेनापति कर्ण। नेत्र मन का दर्पण होते हैं राजमाता, और आपके नेत्रों में गर्व नहीं, भय है। हमारे जीवन में इस क्षण का आना अनिवार्य था राजमाता। आप निश्चिंत रहिए राजमाता, मैं पांडवों की भांति छल नहीं करूंगा, मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। आपके पांच पुत्र थे और सूर्यास्त के पश्चात आपके पांच पुत्र ही रहेंगे, या मैं या फिर अर्जुन। प्रणिपात राजमाता। क्या हुआ ज्येष्ठ, क्यों चिंतित हैं आप? देख रहा हूं कि ये रणभूमि कैसे मेरे देखते ही देखते मेरे 90 अनुजों के रक्त को पी गई। उस अकेले भीम ने मेरे 90 अनुजों का वध कर दिया। मेरे इन सभी भाइयों ने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपने ज्येष्ठ के आंखों के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए उन्होंने मृत्यु की निंदा को स्वीकार कर लिया। अब बस तुम हो और मेरे शेष 8 अनुज है दुशासन। ये सोचकर मेरा हृदय कांप उठता है कि न जाने अब और किसका लहू मांगेगी ये रणभूमि। एक बात कहूं दुशासन,
अब मैं ना तुम्हें और ना ही अपने किसी भी और अनुज को खोना चाहता हूं। अब मेरे में साहस नहीं रहा कि मैं अब अपने किसी भी और अनुज की आरती को कांधा दूं। मेरे में साहस नहीं है अब। किंतु आपके अनुज में साहस है ज्येष्ठ, साहस है कि वो अपने ज्येष्ठ के स्वप्न को पूरा करते करते अपनी आंखें मूंद ले, आपके लिए अपने प्राण देकर प्रसन्नता होगी मुझे और संतोष भी कि मैंने पितृ ऋण चुकाया, क्योंकि मेरे माता पिता ने आज तक मेरा मुख नहीं देखा और मेरे लिए आप ही मेरे पिता और आप ही मेरी माता हैं। नहीं, नहीं दुशासन, महज इस सम्मान के पात्र नहीं हूं, मैं तो लज्जित हूं। परंतु मैं लज्जित नहीं आपकी आज्ञा का पालन करने के, आपके आनंद के लिए मैंने जो कुछ किया मुझे उस पर गर्व है। मुझे तनिक भी लज्जा नहीं कि आपके अपमान के प्रतिशोध के लिए मैंने पांचाली का वस्त्र हरण किया, और यदि मुझे ये बार बार करना पड़े तो आपके संतोष के लिए मैं निर्दयता पूर्वक उसका वस्त्र हरण करूंगा, बार बार करता रहूंगा। अपने चेष्ट के लिए मरना और मारना मेरे लिए गर्व की बात। माधव, आप गए नहीं? मैं उस क्षण को समीप आते हुए देखना चाहता हूं सखी। कौन सा क्षण माधव? इस महायुद्ध के प्रारंभ होने से वर्षों पूर्व कुछ वचन दिए गए थे, कुछ प्रतिज्ञाएं ली गई थी, केश खोले गए थे, उनसे कुछ आशाएं बांधी गई थी सखी। और अब उन वचनों की पूर्ति का, उन प्रतिज्ञाओं के संपन्न होने का, उन केशों को बांधने का क्षण समीप आने को है सखी। सच रहना सखी। के मस्तक पर चूड़ामणि शोभा नहीं देती। मैं आपकी पुत्र वधू नहीं,
और ना ही आपके पुत्रों की पत्नी। मुझे विश्वास है पांचाली, इस आने वाले युद्ध में मैं विकोदर भीम उस दुशासन की छाती फाड़कर उसके छाती के नहु से तुम्हारे केश सींच पाऊंगा। मैं सज हूं माधव, और रक्त स्नान के लिए मेरे केश भी सज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.